श्री राधे राधे। भक्तों, भाव में ही भक्ति विराजती है, भाव में ही भगवान की कृपा विराजती है, ठाकुर जी का प्रेम विराजता है। भाव के विपरीत कार्य नहीं करना चाहिए। और भाव से किया गया हर कार्य भक्ति बन जाता है। आप यमुना मैया को प्रभु की प्रिया समझ करके, सखी भी हैं वो और प्रिया भी हैं, और यदि काल की दृष्टि से देखा जाए तो अवतार काल में भी रही और आज हैं ही। अवतार काल के तो दो ही मुख्य हैं भक्तों, एक तो श्री गिरिराज गोवर्धन जी और दूसरी यमुना मैया। मंदिर जो हैं वो ठाकुर जी के स्थान तो हैं ही, ठाकुर जी उनमें विराजमान हैं, और मंदिर में दिव्यता है, भव्यता है, कृपा है, शक्ति है, किंतु काल के अनुसार वो नवीन हैं और अवतार काल के हैं यमुना मैया श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज। कल आप श्रवण कर रहे थे कि उषा माता यमुना जी का दर्शन करके अत्यंत आनंदित होती थी और यमुना जी की दिव्य स्तुति उन्होंने तैयार की और उसको गाती थी और सखियां भी गाती थी। लेकिन ध्यान रखना, यमुना जी की स्तुति गाओ और यमुना जी को मलिन भी करो और वहाँ सड़ा गड़ा कूड़ा कचड़ा विसर्जन करो तो यमुना मैया का तिरस्कार हो रहा है, और कुल्ला करना, गंदगी डालना, ये सब तो यमुना मैया का अपमान करना है ना। इसी तरह से भगवान से कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं और भगवान को अपना बच्चा मानते हैं, और हाथ टूटते ही उनको यमुना जी में फेंक आते हैं। अब किसी बच्चे का हाथ टूटे, तुम बच्चे को फेंकोगे क्या? पता नहीं कहाँ की कौन सी भक्ति ये है, एक कर्मकांडी लोगों के बहकाने में आ गए आप। आप अपने बच्चे को हाथ टूटने पर क्या यमुना जी में फेंक दोगे, अस्पताल ले जाओगे, इलाज कराओगे, ठीक कराओगे, और ज़्यादा प्यार से संभाल करके रखोगे कि इसका हाथ टूट गया है, और श्री विग्रह का एक हाथ टूटते तुरंत फेंक आते हैं यमुना जी में। ये भक्ति नहीं, भगवान के प्रति किया गया अपराध है आपका। इसलिए न तो मैया अर्थात यमुना जी को मलिन करना है और न अपने ठाकुर जी को यमुना जी में फेंकना है हाथ टूटने पर या कोई अंग खंडित होने पर। उनको आप ठीक कराओ, जैसे प्लास्टर चढ़ाते हैं बच्चे के हाथ पर ऐसे ही, और उनकी सेवा भाव से और ज़्यादा संभाल के करो। ये भक्ति की बात है भक्तों। तो यमुना जी की स्तुति से प्रारंभ होता था साधना का कार्यक्रम, माता का लीला कथा होती थी, पदगान होता था, और यमुना जी के दर्शन हेतु जाते हुए भी परिकर की बहनें यमुना जी की स्तुति का कोई न कोई पद गाती रहती थी, कोई लाइन गाती रहती थी स्तुति की। और उषा जी कहती थी कि यमुना जी की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, भाव से तो करो। एक बार नहान से आई बहन निर्मला गुप्ता भी यमुना स्नान दर्शन हेतु उनके साथ गई। गर्मी के दिनों में यमुना जी की लोल लहरें काफ़ी संकुचित सी हो जाती हैं, धारा बहुत पतली सी हो जाती है। तो निर्मल बहन ने सहज ही पूछा उषा जी से, उषा जी को बोबो कहती थी सखियाँ, तो पूछी कि बोबो
आप तो दिव्य यमुना जी के दर्शन करती हैं, आपको दिव्य दर्शन होते हैं, अंतर में भाव हिलोरे भर देते हैं। हमें तो भौतिक यमुना जी दिखती हैं, पतली सी। उस भक्तों उस समय तो फिर भी जल साफ था, आजकल तो जल भी साफ नहीं रहता है। तो ये यमुना जी का प्राकृत स्वरूप है, जो हम आप देखते हैं ना कि गंदा हो गया जल, काला हो गया जल, यमुना जी का प्राकृत स्वरूप देखते हैं। दिव्य स्वरूप तो हमको नहीं दिखता ना। दिव्य स्वरूप में तो यमुना जी नित्य नवीन, नित्य निर्मल, नित्य परम पवित्र हैं। तो निर्मल बहन ने पूछा उषा जी से कि क्या हम भी कभी वैसी तरंगे, वैसी आलोडन लिए यमुना जी का दिव्य स्वरूप देख पाएंगी, क्या वो दिव्य झलक हमको भी मिलेगी। तो उषा जी न जाने किस भाव में डूबी थी, अपने को सदा गोपनीय रखने वाली किसी लटक में हाथ सामने फैला बोली, अच्छा मेरा हाथ पकड़। हलो, उनका हाथ पकड़ते ही निर्मल गुप्ता को साक्षात दिव्य यमुना जी दृष्टिगोचर हो गए। बड़ा चौड़ा पाट, जबकि पतली सी धार थी उस समय, गर्मी के टाइम में सूख गया था जल, लेकिन जब उन्होंने उषा जी का हाथ पकड़ा निर्मल बहन ने, तो देखा बहुत चौड़ा पाट, किनारे पर झुरमुटों की हरियाली, यमुना जी में उनकी परछाई, ऊंची ऊंची लहरें, झुरमुटों पेड़ों की परछाई और ऊंची लहरें और कलकल सुरीली कर्णप्रिय ध्वनि। आश्चर्यचकित मुग्ध सी निर्मल महिन ने इस क्षण में मानो अनमोल निधि पाली और उषा जी का हाथ छूटते ही सब पहले जैसा हो गया। पर निर्मल बहन पहले जैसे नहीं रही, अब तो उन्होंने दिव्य स्वरूप देख लिया था यमुना मैया का। प्रफुल्लित तो होकर के निर्मल बहन उसके बाद लगभग हर वैशाख मास में आकर के उषा जी के सानिध्य में यमुना स्नान करती और गुरु कृपा उषा बहन जी की स्मृति और दिव्य यमुना जी का दिव्य स्वरूप मानो अभी भी उनके समक्ष जीवित हो उठता था। और भक्तों एक बात कहा करती थी, देखो सब मंदिर दिव्य हैं, सब प्रकट ठाकुर हैं सब, लेकिन उस काल के तो नहीं है जब अवतार हुआ था। भगवान आज भी हैं, ऐसा नहीं कि अवतार काल में ही थे, आज भी हैं वही ठाकुर जी। लेकिन यदि हम अवतार काल की बात करें तो श्री गिरिराज जी और यमुना जी हैं। इसलिए श्री गिरिराज जी और उनकी लीलाओं, जो गिरिराज जी से जुड़ी हुई लीलाएं हैं भगवान की, और यमुना मैया, यमुना महारानी से जुड़ी हुई जो लीलाएं हैं, उनका प्राचीनता के कारण महत्व अधिक माना जाता है। हर जल कर्ण और हर रज कर्ण दिव्य लीलाएं उनके हास पर हास से रंजित हैं, ठाकुर जी के अवतार काल से जुड़ी हैं। और अवतारी प्रभु भगवान कृष्ण वही नित्य कृष्ण भी हैं, किंतु अवतार के समय से आज तक लीलाएं चलती आ रही हैं। उनके हास परिहास और दिव्य लीलाओं से संयुक्त हैं ये दोनों ही, श्री गिरिराज जी और श्री यमुना मैया जी। इसलिए विशेष प्रणम्य और आस्वादनीय स्थली हैं ये। और उषा जी की लालसा जो थी, अभिलाषा जो थी, बहुत भाव भरी होती थी, इसीलिए उनके अंतिम समय में श्री यमुना जी में जल समाधि का ही आयोजन किया गया था। वो चरित्र आप बाद में श्रवण करेंगे। माधुरी रस संपन्ना पूजा पूज्य जो उषा जी थी, वृंदावन वास में स्वयं के साथ अपने कई परिजनों को भी सुख लाभ का प्रतिभागी बना
पाई थी। उनका विश्वास था कि पूरे ब्रजमंडल के कण कण में श्री कृष्ण की अनुभूति कराने की अतुलनीय सामर्थ्य है यमुना मैया में और इसी तरह से गिरिराज जी में भी। उस पर श्री गिरिराज जी की महिमा को तो शब्दों में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। सन 1970 के आसपास की बातें हैं भक्तों, कि उषा जी, माँ श्यामा, सुशीला बहन जी, दर्शन बहन, उमा बहन सबको साथ लेकर के गोवर्धन परिक्रमा के लिए गई और कुछ समय के लिए दान घाटी स्थित श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर में रुकी, श्री ठाकुर जी के दर्शन किए। वहाँ किसी परिचित से पता चला कि एक सिद्ध संत पंडित गया प्रसाद जी उस समय वहीं विराजमान थे। ये बात है सन 1970 के। गया प्रसाद जी का दर्शन तो भक्तों बाद में भी सुलभ रहा, मैंने भी बहुत बार किया दर्शन। और ऐसे भजनानंद जी संत जल्दी से मिलेंगे नहीं, बहुत जप करते थे। और जो श्री भगवान शंकर जी ने कहा ना पार्वती मैया से, जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर वरानने, वही था बिल्कुल स्वरूप गया प्रसाद जी महाराज का। कई लोग तो पंडित जी कहते थे उनको, नाम था गया प्रसाद जी। हाथरस के रहने वाले उड़िया बाबा के शिष्य थे, उनका चरित्र मैं आपको 38 भाग पे सुना चुका हूँ पहले। तो बहुत ही महान पुरुष थे, परम वैरागी, वात्सल्य रस के सिद्ध संत, भिक्षा पर ही रहते थे, कठोर नियम का पालन करते थे, दीक्षामय जीवन व्यतीत करते थे, सभी भक्त साधकों के लिए एक उच्चतम आदर्श थे। उनकी गरिमामय सरल साधुता सी जीवन शैली के कारण पूरा ब्रजमंडल उन्हें पूज्य मानता था और बहुत से लोग तो उनको सचल गिरिराज की संज्ञा देते थे, कह रहे थे महाराज जी सचल गिरिराज हैं। गोवर्धन जाओ और पंडित जी के दर्शन नहीं हुए तो परिक्रमा उस समय अधूरी मानी जाती थी, इतना सम्मान था उनका। हाँ, माताओं के लिए प्रवेश वहाँ नहीं था, दूर से दर्शन माताएं कर पाती थी। और बाहर से ही प्रणाम करती थी, बाहर से ही दर्शन करती थी, वहाँ पर प्रवेश वर्जित था। लेकिन भक्तों, परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी महाराज जब पधारे थे और महान माता रामदेवी जो श्री पोद्दार जी महाराज की धर्मपत्नी थी, उनके लिए बाबा ने निषेध नहीं किया प्रवेश करना, बल्कि अपना कंबल भी बैठने के लिए आसन के रूप में दिया था। तो उषा जी की भी दर्शन की इच्छा थी और वहाँ पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, तो वो चाहती थी महाराज जी के मुख से, गया प्रसाद जी के मुख से लीला कथा सुनने की मिले, लालसा थी ऐसी। लेकिन वो नियमों को सादर सम्मान देती थी, किसी का विरोध नहीं करती थी। ऐसे बहुत से आधुनिक विचार के लोग होते हैं ना, तो लड़ जाने लड़ने को तैयार कि हम क्यों नहीं जा सकते, हमारा प्रवेश क्यों वर्जित है। पर उषा माता सबका सम्मान करती, सबके नियम का सम्मान करती थी। मन में प्रबल जिज्ञासा थी तो श्री ठाकुर जी से प्रार्थना कर यही सोचा कि जब वह स्वतः ही बुलाएंगे, ठाकुर प्रेरणा से स्वयं अनुमति देंगे तो शायद संभव हो जाए। और बाद में वो जब भी गोवर्धन परिक्रमा के लिए जाती तो श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर के चबूतरे से उनकी कुटिया की, महाराज जी की, गया प्रसाद जी की कुटिया को मुँह करके प्रणाम अवश्य करती थी। बाबा जब दान घाटी स्थित गिरिराज मंदिर दर्शनार्थ जाते तो उनके सेवक टाट के पर्दे लेकर के दोनों ओर खड़े होते थे।
और महाराज यदि कहीं नियम में कोई गड़बड़ी हो जाती निभाने में, तो श्री गया प्रसाद जी महाराज जी, इनको पंडित जी कहा जाता था अधिकतर, वो उपवास करते थे प्रायश्चित के रूप में। भक्तों, आज तो साधकों को लगभग असंभव सा लगेगा कि जरा सी नियम में गड़बड़ी हुई तो उपवास करना, पर वो बहुत ही आदर्श साधक थे और सिद्ध पुरुष थे। उषा जी की पंडित जी के प्रति अगाध श्रद्धा थी, इनके सानिध्य सामीप्य वाणी श्रवण को बहुत भाव से तैयार रहती थी सुनने को, और उषा जी को सन 1971 में ये सुयोग विजय भाई के माध्यम से प्राप्त हो गया, जो उस समय राधा कुंड पर साधनारत थे। साधु भक्त विजय की दीक्षा पंडित गया प्रसाद जी से ही हुई थी, उन्होंने ही विजय भाई को वेश धारण करवाया था। एक दिन पंडित जी ने श्री हरिवल्लभ जी के माध्यम से स्वयं ही उषा जी से विजय भाई की गुरु कृपा होने के नाते मिलने की इच्छा व्यक्त की। सभी हैरान थे, ये अनहोनी सी सूचना थी। सादगी की मूर्ति पंडित जी निरंतर नाम जप और लीला चिंतन में डूबे रहते थे। उनके मन में श्री ठाकुर जी की ही प्रेरणा हुई थी ऐसी। उषा जी मुस्कराने लगी। सो उस वर्ष राधाष्टमी महोत्सव के लिए जाने से पूर्व गोवर्धन पहुंचते ही पंडित जी को प्रणाम करने का समय आयोजन किया गया। ठाकुरदास जी के माध्यम से बाबा की अनुमति पाकर ठीक समय पर उषा जी, सुशीला बहन जी, उमा बहन जी और विजय भाई के संग पंडित जी के दर्शन के लिए सब पहुंच गए। और महाराज, अद्वितीय था उनका एक दूसरे को इतना समादर देना। अभिवादन भरा हुआ, अभिवादन जो था समादर भरा हुआ, अद्भुत था। तो गया प्रसाद जी ने भी उनका सम्मान किया, पंडित जी महाराज ने। लक्ष्मीनारायण मंदिर में प्रवेश करते ही पंडित जी तीव्र गति से श्वेत परिधान में लिपटी उषा जी की ओर बढ़े। जहाँ माताओं का प्रवेश वर्जित था, वहाँ उषा जी के पहुँचने पर श्री गया प्रसाद जी महाराज तीव्र गति से उधर बढ़े। और इधर ये, अर्थात दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े और सभी लोगों के संग विनम्रता के साथ हाथ जोड़े उनके समीप कर पहुँच करके खड़ी हो गई और प्रणाम निवेदन रता उषा जी की भावाभिभूत दशा और अंतर्भाव में डूबे पंडित जी महाराज, दोनों महानुभावों की उत्कृष्ट स्थिति निज स्वरूप और मर्यादा में बांधे रखकर भी छलक पड़ती थी भाव की स्थिति, बहुत सुखद अनुभूति का विषय था। ऐसा प्रेम भरा दर्शन एक दूसरे का हुआ था। पंडित जी की वात्सल्य रस की साधना और उषा जी की युगल प्रीत की माधुर्य रस की साधना अपनी अपनी अभिव्यक्ति का सहज ही आदान प्रदान कर रही थी। ठाकुर चर्चा भी हुई, पंडित जी की साधना को लेकर के सारगर्भित चर्चा हुई। भक्ति में तरंगों से सारा वातावरण सराबोर हो गया। उस शांत वातावरण को एक जिज्ञासु ब्रजवासी की आवाज़ ने चौंकाया, बाबा आज एका देख रहे हूँ, आपके यहाँ ये स्त्री? तो पंडित जी ने सहज ही उत्तर दिया, जाकी स्त्री संज्ञा ना है। वो ब्रजवासी को लगा कि पंडित जी कहते हैं हम स्त्रियों को नहीं देखते और आज इन्हीं के यहाँ स्त्री का प्रवेश हो गया। तो महाराज गया प्रसाद जी बोले, जाकी या की स्त्री संज्ञा ना है, काहू मिस्ते नित्य परिकर को भूतल पर आनो पर्यो है। गया प्रसाद जी ने कहा, ये नित्य परिकर है भगवान की,
इसको किसी कारण से पृथ्वी पर आना पड़ा है। पंडित जी के मुख से निकले शब्दों को किसी सत्यापन की, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। उनकी बातों को स्वयं प्रमाण माना जाता था। भक्तों, वात्सल्य रस के सिद्ध संत थे पंडित गयाप्रसाद जी महाराज, और उषा जी थी माधुरी रस की गोपी भाव में डूबी एक महान सखी। दोनों एक दूसरे को समझते थे और इसीलिए बहुत भाव से एक दूसरे को आदर देते हुए प्रणाम भी किया था। पंडित जी द्वारा आकलन जो किया गया उसको देखकर सब लोग प्रसन्न हुए। और भक्तों, बाद में भी जब उषा माता जाती थी ना गिरिराज गोवर्धन जी, तो श्री गयाप्रसाद जी महाराज का दर्शन करने, प्रणाम करने जाती थी। एक बार किसी ने पंडित जी से पूछा, सुना है गिरिराज धारण की शरणागति लेने से, गिरिराज धारण की शरणागति लेने से सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सब कार्य संपन्न हो जाते हैं, आप तो इतने दिनों से यहाँ रह रहे हैं, कुछ अनुभूति सुनाइए। पंडित जी ने धीमे डूबे हुए स्वर में बस इतना ही कहा, संतन ने सांची कहे हुए कि गिरिराज जी सब कामना पूर्ण कर देते हैं, सब कार्य संपन्न हो जाते हैं, संतन ने सांची कहे हुए, मेरो का है। इस प्रकार लगभग हर वर्ष ही पूज्य पंडित जी के अर्थात गया प्रसाद जी के दर्शनों का लाभ उषा जी को मिल जाता था। साल भर में लगभग एक बार तो चली जाती थी। और उषा जी उन्हें प्रणाम करने गई एक बार, तो पंडित जी ने प्रिया जी के ब्रज में अवतरण की लीला सुनाई, साथ साथ अन्य सखियों के अवतरण की बात सुनाई। सभी भाव विभोर उठे, एक आनंद का विषय था ना। पंडित जी को बाल लीलाओं के अतिरिक्त कभी माधुर प्रसंगों का वर्णन करने कभी किसी ने सुना नहीं था, क्योंकि वात्सल्य भाव के थे वो, तो सदा बाल लीला की ही बात सुनाते थे। लेकिन उषा जी के सम्मुख तो महाराज उन्होंने सखियों के अवतरण की बात सुनाई, इसलिए लोगों को बड़ा आश्चर्य भी हुआ। शायद राधा जन्मोत्सव और उषा जी के बरसाने धाम में 10-15 दिन ठहरने की बात भी थी, सुनने को मिली थी उस समय, तो स्वाभाविक रूप से किशोरी जी के उनके मानस पटल पर अवतरण प्रसंग उभर आया था। और श्री मनोहर दास बाबा को बताने पर तो आश्चर्यचकित ही हो गए वो, जब उन्होंने बताया तो संतों को मानस पटल पर लहरान्वित लीलाओं का रहस्य संतजन ही समझ सकते हैं। सिद्ध संतों की महिमा समय समय पर ठाकुर जी साधारण जन के समक्ष प्रकट भी कर देते हैं भक्तों। अब आप सोचिए, सदा ही वात्सल्य लीला बाल लीला सुनाने वाले पंडित जी, उषा जी के सम्मुख सखियों का ही चरित्र सुनाना शुरू कर दिया था, और उनके प्रणाम को इतना सम्मान देते थे कि खुद भी प्रणाम करने लगते थे। श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जो महाराज तटीय स्थान के ज्ञान गुदड़ी में रहते थे और तटीय स्थान के महंत भक्त प्रवर श्री भगवान दास जी के शिष्य थे, वैष्णव समाज में उनका बहुत उच्च स्थान था। उनका सरल स्वभाव और दैन्य इस कलिकाल में देखने को बहुत दुर्लभ था भक्तों। मैंने बहुत बार उनका दर्शन किया था, महाराज श्री जगन्नाथ दास जी भक्तमाली का, जमीन पर बैठे रहते थे, चटाइयाँ बिछी रहती थी, संत जन बैठे रहते थे, भक्तमाल ही सुनाते रहते थे महाराज जी। ब्रज भाषा में अधिकतर प्रवचन होता था उनका। भक्तिमय व्यक्तित्व आकर्षण का केंद्र था उनका। जो भक्तिमय व्यक्तित्व था महाराज जगन्नाथ
दास जी भक्तमाली का, उनको जगन्नाथ प्रसाद जी भी कहते थे लोग। तो उषा जी से अगाध स्नेह और वात्सल्य था उनका। उषा जी की लाड़ भरी भाव भरी ठाकुर सेवा देखकर कहते उषा के प्राण बसते हैं ठाकुर में, भक्तमाली जी कहते थे जगन्नाथ प्रसाद जी। उन्हीं समकालीन संतों में प्रिया शरण बाबा जी निम्बार्क संप्रदाय के मुकुटमणि थे। महान विरक्त थे बाबा, वन विहार और रमण रीति में कथा करते और बाद में गोवर्धन बरसाना जाते थे। तो ठाकुर चर्चा में इनकी सन्निधि में घंटों बीत जाते, समय का कुछ पता ही नहीं चलता था। और इसी क्रम में श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के श्री ललिता चरण गोस्वामी जी का संत समाज में विशेष स्थान था। पूज्या उषा जी के यमुना दर्शन के नियम के कारण लगभग नित्य ही प्रातः इनसे राधे राधे हो जाया करती थी। उषा जी की विरक्त रहनी और वो भक्तिमय भाव दशा से बहुत प्रभावित थे और कहते थे अपनी इष्ट से मिलने जा रही है। भक्तों, इन महान संतों ने उषा जी को सही सही पहचान लिया था। यमुना जी की प्रति अगाध श्रद्धा है इनकी। कभी कभी उषा जी उन्हें प्रणाम करने भी जाती थी और साथ ही बहनी पद गान सुनाती थी। उषा जी के अंतिम दिनों में अस्वस्थता की वजह से नियम पूर्वक यमुना पुलिन पर नहीं देखते थे संत लोग, तो चिंतित हो जाते थे और दुलारी बहन जी से इनकी कुशल मंगल पूछते थे। भाग्य का ही खेल है कि जब राज दुलारी बहन जी उषा जी के निकुंज गमन की सूचना देने गई थी तो पता चला कि उषा जी से पहले ही ललिता चरण गोस्वामी जी नित्य धाम पहुँच गए थे। शायद उन्हें उषा जी को धारा धाम से विदाई देने की अपेक्षा निकुंजों में उनका स्वागत करना ज़्यादा सुखप्रद लगा था। संतों के मन में उषा जी के प्रति बड़ा आदर युक्त भाव था। भक्तों, इस विषय में आगे आपको मैं फिर सुनाऊंगा। आज इन सब संतों और माताओं उषा जी के साथ साथ प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।